सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। पता लगा क्योंकि हम ने फोन किया था, हम दुकान पे पिताजी का फोन आया कि लड़का घर पे नहीं आया, पता करो कहाँ है, दुकान पे तो नहीं रह गया। फिर जहाँ पे वो काम करता वहाँ दुकान पे गए कि यहाँ पे भाई आया था, तो कहने लगे आया तो था लेकिन वो फिर चला गया। हमारे पिताजी गए थे, एक मिट्टी हो गई थी झांसी में, हमारे रिश्तेदार की हमें बहन की मम्मी खत्म हो गई थी। पुलिस ने जो कही राजनामा कर लो, चोरी तो फिर पुलिस आई। फिर बाद में जब 112 वाली गाड़ी आई थी, फिर उसके बाद थाने से भी पुलिस गई थी, तो फिर 112 वाली अपनी इंक्वायरी करके जानकारी लेके निकल गई। फिर उसके बाद ये गाड़ी खड़ी रही थाने वाली करीब एक घंटे करीब, तो हमसे पूछने लगे बहन का नाम क्या है, बहन का नाम क्या है, पता करो कहीं रिश्तेदारी में नहीं है। तो हमने कहा हमने पता कर लिया कहीं पर नहीं है, वो तो यहीं से गायब, अगर कहीं जाता तो हमें बता के जाता, वो तो दुकान के कपड़े पहने था तो घर पे तो आता ही, वहाँ से तो निकल के आया, कहीं गया नहीं है। तो फिर उसके बाद फिर कहने लगे एक काम करो, तुम्हारा क्या क्या सामान चोरी हो गया था, हमने हम कहने लगे हम वो दिलवा देंगे और तुम राजीनामा कर लो, किसी से कहना नहीं, अरे हमारी बात रहेगी। आप दरोगा जी ने भी फ़ोन किया हमें कि यहीं पर आ जाना, तो हम तुम्हारा राजीनामा करवा देंगे और किसी से कहना मत, ये अपनी बात रहेगी। और हमें डरा रहे थे कि नहीं तो फिर मतलब ठीक नहीं होएगा, अगर तुम इंक्वायरी करोगे तो तुम्हारे लिए परेशानी होगी, और अगर उस फोन आएगा तो आप कह देना हमारा भाई किडनैप नहीं हुआ है, वो मतलब 112 का कॉल आए तो जानकारी मांगे तो बता देना कि हमारा भाई किडनैप नहीं हुआ है, यहीं पर है, वो आ गया है सुरक्षित। तो फिर जब आज सुबह यहाँ से कोई गांव वाले गए कि अगर गाड़ी दिल्ली तुम्हारी वहाँ पे देख लो, हो सकता वो भी हो कहीं, तो गांव के 10-12 लोग आ गए होंगे पहले, फिर हमें जानकारी मिली। तो बाद में हम आए फिर देखा तो गाड़ी कहीं पड़ी थी और भाई हमारा घसीट घसीट के मारा गया और उसके हाथ पैर बंधे हैं और उसे टांग दिया गया, रस्सी बांध के लटका दिया। हमें इन्हीं पे शक है जो जिन पे हमारी चोरी का इल्जाम लगा है, हरिओम है, उसका नरेश के भाई कमलेश है, नरेश है, उनके पिताजी हैं, पिताजी है प्रकाश, इन्हीं लोगों पे शक है, उनकी मम्मी है, और किसी से रंजिश चल रही थी हमें, और किसी से कोई रंजिश नहीं है, अभी इससे पहले कभी कोई घटना हुई नहीं है हमारे साथ ऐसी। प्रेमनगर थाना क्षेत्र में एक युवक की लाश बरामद हुई है, पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया है। घर वालों का आरोप है कि उनके पड़ोस में ही रहने वाले उनके भाई लगने वालों के द्वारा ये हत्या कारित की गई है। पुलिस सभी तथ्यों को जांच रही है, इन्वेस्टिगेशन के आधार पर इसमें विशेष कार्रवाई की जाएगी। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।